यो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका अपना पता नहीं कौन तैयार गाइस। आपको मैंने एक बताया था कि अपने कॉलेज के बारे में मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा, आपको आपके साथ उसकी डिटेल्स शेयर करूंगा। तो आज इंशाल्लाह उसके बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। और कॉलेज में इतना फासला नहीं है, ये इस सामने गली, इधर जब आप क्रॉस करोगे इधर हमारा फ्लैट है और ये सामने कॉलेज रहा, तो इतना फासला नहीं है, मतलब हम आराम से चल कर जाते हैं कॉलेज। इस टाइम फातिमा जिना का एक स्टूडेंट जो हमारे साथ पढ़ता है फर्स्ट ईयर में, हमजा हमारा दोस्त है, ये बैठे हैं, इनसे पूछेंगे कि मतलब कॉलेज के बारे में ये क्या ख्याल रखते हैं, क्या रिव्यू है इनका। जी हमजा, आपने एमबीकेट स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? यार बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एमबीकेट पढ़ के पास करें, ये नहीं इस तरह नहीं सोचें कि बगैर पढ़े आप लोग पास कर देंगे, क्योंकि यहाँ के पढ़ाई मुश्किल है जी। बगैर पढ़े आप कहीं भी नहीं जाएंगे। मजना में आप आगे आप ही गए तो बिलो 20 वालों का आपने मुझे देख लिया क्या हुआ। कॉलेज के बारे में, कॉलेज के कॉलेज अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, फ्रेंडली माहौल है, बाकी सब कुछ अच्छा है, मतलब। और प्रैक्टिस के हवाले से भी, अगर आप प्रैक्टिस भी क्लिनिकल का बहुत सुना है, क्लिनिकल इसलिए अच्छी है क्योंकि यहाँ पे पेशेंट कम बहुत है। हाँ, पेशेंट कम आपको बहुत यहाँ पे मिलेगा, इसी वजह से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। बस ये अच्छा, थैंक यू वेरी मच। फातिमा जिना डेंटल कॉलेज पाकिस्तान का पहला प्राइवेट डेंटल कॉलेज है, जिसकी बुनियाद 1992 में रखी गई। इट प्रोवाइड्स क्वालिटी एजुकेशन एंड हैव गॉट हाईली क्वालिफाइड स्टाफ विद ईच हैविंग स्पेशलिटी इन हिज ऑन सब्जेक्ट। फातिमा जिना डेंटल कॉलेज के दो कैंपसेस हैं, नेमली प्री क्लिनिकल कैंपस एंड ए क्लिनिकल कैंपस। प्री क्लिनिकल कैंपस में आप BDS के पहले दो साल गुजारते हैं, वाइल इन क्लिनिकल कैंपस यू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द ईयर्स लाइक थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। इन अदर कॉलेजेस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपको बेसिक सिखाई जाती है डेंटिस्ट्री की, जैसे कि थ्योरीज, मतलब थ्योरी वर्क आपको कराया जाता है, प्रैक्टिस नहीं कराई जाती। वाइल इन फातिमा जिना डेंटल कॉलेज आपको फर्स्ट ईयर ही से डेंटिस्ट्री के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। लाइक मैं खुद फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मुझसे अभी वैक्स कार्विंग कराई गई है रूट कैनाल, जो कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के टॉपिक थे, लेकिन नहीं, फातिमा जिना डेंटल कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर ही से डेंटिस्ट्री के साथ इंट्रोड्यूस करवा देती है। सेकंड ईयर में आपको डेंचर बनवाने का तरीका डेंटल मटेरियल में सिखाया जाता है, जो कि बड़ी बात है क्योंकि ये चीजें फर्स्ट ईयर सेकंड में सीखने वाले नहीं है। वाइल मतलब आपको प्री क्लिनिकल कैंपस में ही डेंटिस्ट्री में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आपको बाकायदा पेशेंट के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फातिमा जिना डेंटल हॉस्पिटल के पेशेंट काउंट चूंकि ज्यादा है माशाल्लाह से, तो मतलब आपको प्रैक्टिस करने का खूब मौका मिलता है, आपको सही प्रैक्टिस कराई जाती है और एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट आपको ग्रेजुएट करने में फातिमा जिना डेंटल कॉलेज बहुत बड़ा रोल अदा करती है। दैट्स व्हाई फातिमा जिना डेंटल कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ पाकिस्तान। फातिमा जिना डेंटल कॉलेज पहले कराची यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड था, फिर बाद में 2013 और 14 में, मुझे पता नहीं है अभी, खुद कंफर्म नहीं हूँ, खुद को JSMU जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट कर दिया, जो कि कराची की एक नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है। फातिमा जिना डेंटल कॉलेज वॉज अवार्डेड बाई कैटेगरी ए बाई PMDC, मतलब पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन। फातिमा जिना डेंटल कॉलेज में अभी पोस्ट ग्रेजुएशन की भी फैसिलिटी अवेलेबल कर दी गई है, यहाँ पर आप ट्रेनिंग कर सकते हो। FCPS पार्ट 1 पार्ट 2 आप फातिमा जिना डेंटल कॉलेज अपने ही कॉलेज से कर सकते हो। मेडिकल और डेंटल स्टूडेंट का मोस्टली यही शौक होता है कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन किसी बाहर की कंट्री से कर रहे, तो फातिमा जिना डेंटल कॉलेज का आपका ये ड्रीम पूरा करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता, आपकी करियर काउंसलिंग कराता है, आपको अपने पाथवे चूज करने का और अपने ड्रीम को पूरा करने का भरपूर नॉलेज प्रोवाइड करती है। दैट्स व्हाई फातिमा जिना डेंटल कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स ओवरसीज इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर कर आ गए हैं, जो कि फातिमा जिना डेंटल कॉलेज के फैकल्टी का हिस्सा बन गए हैं या पाकिस्तान में बहुत आला पोजिशन पर उनको जॉब्स मिली हुई है। डेंटल कॉलेज के बारे में मैंने बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर कर दी। स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा मसला होता है किसी BDS या MBBS के कॉलेज को चूज करने में, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, अपने दोस्त का भी मैंने एक इंटरव्यू किया हुआ था आपके साथ, वो भी शेयर किया हुआ है। तो मतलब आपको अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क इट इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट विद ऑल हार्ट। मतलब प्री क्लिनिकल कैंपस का मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर देता हूं कि इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह है और आप एडमिशन किस तरह फातिमा जिना डेंटल कॉलेज में कर सकते हैं। फॉर 38 बैच पास फातिमा जिना डेंटल कॉलेज 24 बैचेस पास आउट कर गया है, मैं खुद 29th बैच में हूँ, 30th बैच की एडमिशन अभी स्टार्ट हो गई है, जो रिसेंटली NMDCAT हो रहा है उसी के थ्रू होगा, तो एडमिशन प्रोसेस मैं आपको ये वीडियो देखने के बाद बता देता हूँ। फातिमा जिना डेंटल कॉलेज का प्री क्लिनिकल कैंपस कोरंगी क्रीक में है और
क्लिनिकल कैंपस डिफेंस फेज 1 में है। गेट से एंटर होते ही यू आर वेलकम बाय अ ब्यूटीफुल वरांडा जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पौधे रखे गए हैं। ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो एक ब्यूटीफुल और बड़ा वरांडा है। ऑफिसेज, एडमिशन ऑफिस एंड स्टूडेंट अफेयर ऑफिस भी ग्राउंड फ्लोर पर ही है। इसके साथ एक बड़ी सी लाइब्रेरी। ग्राउंड फ्लोर के एक कोने पर ऑडिटोरियम का दरवाजा भी लगा हुआ है। ऑडिटोरियम में कॉलेज के फंक्शंस और बाज दफा लेक्चर्स भी कंडक्ट होते हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर सारे ऑफिशियल्स के ऑफिसेज है, लाइक फातिमा जिना CEO, कॉलेज फाइनेंस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड वाइस प्रिंसिपल ऑफिस। सेकंड फ्लोर पर सेकंड ईयर का लेक्चर हॉल, डिपार्टमेंट्स एंड लैब्स मौजूद है। लैब्स में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का लैब, फार्माकोलॉजी का लैब, कम्युनिटी इंडस्ट्री का लैब और डेंटल मटीरियल का लैब। इन सारे लैब्स में जदीद मशीनरी इंस्टॉल की गई है जिससे फातिमा जिना डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स खूब नॉलेज गेन करते हैं। थर्ड फ्लोर पर फर्स्ट ईयर का लेक्चर हॉल, डिपार्टमेंट्स एंड लैब्स मौजूद है। इन लैब्स में सबसे पहला लैब बायोकेमिस्ट्री का आता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मॉड्यूल्स, एसिड्स, बेसिस सब कुछ रखे। उसके बाद फिजियोलॉजी का डिपार्टमेंट जिसमें जदीद मशीनरी इंस्टॉल की गई है ताकि स्टूडेंट्स उससे आसानी से सीख सके। इन दोनों के सामने लेक्चर हॉल है जिसमें प्रोजेक्टर इंस्टॉल किया गया है। प्रोजेक्टर के जरिए स्टूडेंट्स के लेक्चर्स लिए जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को स्लाइड से रीड करने और अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी होती है। लेक्चर हॉल के बिल्कुल साथ ही ओरल बायो का लैब है। ओरल बायो के लैब में मुख्तलिफ दांतों के किस्में, मॉडल सब कुछ रखे हुए ताकि स्टूडेंट्स उन पर प्रैक्टिस कर सके। ओरल बायो के लैब के साथ ही कंप्यूटर लैब आता है। कंप्यूटर लैब में अभी चूंकि एग्जाम चल रहा है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। कंप्यूटर लैब के सामने एनाटॉमी का डिपार्टमेंट आता है जिसमें स्केलेटन्स वगैरह, बोन सब कुछ रखे गए हैं ताकि स्टूडेंट्स उनसे नॉलेज सही तरीके से गेन कर सके। एनाटॉमी डिपार्टमेंट के साथ ही डाइसेक्शन हॉल या म्यूजियम भी है। मैं आपको वो नहीं बता रहा, आप खुद ही देख ले कि उसमें क्या क्या रखा गया है। फोर्थ फ्लोर पर एक कैंटीन बनवा दिया गया है जिससे स्टूडेंट्स ब्रेक के टाइम में अपने लिए चीज़ें खरीदते हैं। आज चूंकि कैंटीन बंद है तो मैं वीडियो बना नहीं सका, इंशाल्लाह किसी और दिन आपके साथ ये भी शेयर करूंगा। तो ये था फातिमा जिना डेंटल कॉलेज का प्री क्लिनिकल कैंपस। अभी भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट वगैरह है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी आपको बताते हैं कि एडमिशन फातिमा जिना डेंटल कॉलेज में आप कैसे ले सकते हो। फातिमा जिना डेंटल कॉलेज में एडमिशन हासिल करने के लिए आपको सिंपल NMD गेट पास करना होगा, जो कि PMC का क्राइटेरिया है, वही फातिमा जिना के लिए भी स्टैंड होता है। आपने NMD गेट पास करना है, 65% है कि 60% जो क्राइटेरिया है उनका, और सेकंड ईयर में भी सेम मार्क्स जो PMC ने बताए हुए हैं वही क्राइटेरिया है। और एडमिशन प्रोसेस जो है, जिस तरह ही आप NMD गेट मतलब पास कर दो तो आप कॉल कर सकते हैं। मैंने फ़ोन नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, हेल्पलाइन आ रहा होगा हर जगह, तो उस पर कॉल करें। रमीज़ नाम है हमारे जो एडमिशन का वो कंट्रोल करते हैं, तो उनके साथ आप बात करें, वो आपको गाइड करेंगे और आपको एडमिशन भी दे देंगे। और मेरी अगर सजेशन की बात करें तो मतलब इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ डेंटिस्ट, डेंटिस्ट्री के साथ अगर आपका शौक मतलब है तो मतलब फातिमा जिना इज़ द बेस्ट चॉइस। ये मैं अपनी मतलब स्टेटमेंट को ऐसी उनकी रे नहीं कह रहा, ये मैं अपने दिल की बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि फातिमा जिना डेंटल कॉलेज इज़ द लाइक द बेस्ट डेंटल कॉलेज इन पाकिस्तान। तो आप PDS अगर आपको करना है तो फातिमा जिना। वीडियो मैंने परसों से शूट कर दी थी जो आपको मैंने दिखाई, अभी आपको कपड़े दिखाई दे रहे होंगे सामने जो मिरर है उसमें, तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि आज तो तुमने ब्लैक शर्ट पहना हुआ है वो उसमें कपड़े, तो वीडियो असल में हमने परसों शूट की, अभी के ब्लॉग में हमने उसको मिक्स कर दिया है। मेरे साथ शूटिंग में हेल्प की थी डॉक्टर सनान काजी ने, अच्छा सनान काजी ने हमारे साथ वीडियो में हेल्प की, थैंक यू वेरी मच। और अभी तकरीबन बज रहे हैं 12 बजे, क्लासेस ख़त्म हो गई है, इसके बाद हमारे 2 घंटे एक लैब होगा,
दो घंटे लैब के बाद फिर हमारी छुट्टी और हम इधर से इंशाल्लाह चलेंगे सोने के लिए, तो तब तक आप इंतज़ार करें। जिस दिन की वीडियो मैंने आपको दिखाई कॉलेज की, उस दिन आपको मतलब आपने देख भी लिया होगा कॉलेज बंद था, मतलब कुछ कोई डिपार्टमेंट खुला नहीं था सिवाय एनाटॉमी के डिपार्टमेंट के। तो असल में आपको मैंने बताया भी कि वो वीडियो सैटरडे की है, मैंने सैटरडे को ही वो शूट किया हुआ था। और उस दिन चूँकि सेकंड ईयर को ऑफ था और भी डिपार्टमेंट्स का काम नहीं था, सिर्फ एनाटॉमी वाले आए थे हमें पढ़ाने के लिए क्योंकि कोर्स कम्प्लीट करना था, इसलिए सैटरडे को हर एक डिपार्टमेंट का फुल डे मतलब सेशन चलता है, तो वो सेशन चल रहा था उस दिन, इसलिए सारे डिपार्टमेंट्स बंद थे। और कंप्यूटर लैब भी सिर्फ एग्ज़ाम के लिए खुला था, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इधर ही आते हैं एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर लैब। सुबह का हमने कुछ नहीं खाया हुआ था क्योंकि मतलब कॉलेज के लिए हम 8:30 तक तो हार्डली हम उठ जाते हैं, फिर 8:40 को बेड से उठते हैं, फिर हमारे पास 10 मिनट होते तैयार होने के लिए, तो क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड है तो इसलिए तैयार जल्दी हुआ जाता है। अभी आए हैं नाश्ता करने के लिए क्योंकि कुछ किया नहीं था सुबह, मैं और हमजा है मेरे साथ अभी होटल में बैठे हैं, तो कुछ मतलब खाते पीते पराठा वगैरह ताकि कोई सिस्टम में जा ना जाए। हमारा नाश्ता जी पहुंच गया है, नाश्ता तो नहीं कह सकते इसको, ब्रंच भी नहीं कह सकते, ब्रंच और लंच के दरमियान वाला टाइम आप निकाल ले, तो वो हमने मंगवाया था हाफ फ्राई और चाय पराठा, तो हमारा नाश्ता इस पैसा आपने लाया।